राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। अभी बेड पर पड़ा है सम्राट का ये यूनिफॉर्म, और देखो लाइट भी चली गई। यूनिफॉर्म उतारे हैं और सीधा बेड पर फेंक के पीछे भाग गए हैं बुआ के पास। और विराटू आज ब्लैक वाला यूनिफॉर्म पहन के गए थे, क्योंकि इनकी मैम ने कहा था कि आप आज जो है मतलब आज वेडनेसडे है ना, तो आज के दिन व्हाइट वाला यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन कल पड़ेगा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, तो कल भी व्हाइट ड्रेस पहन के जाना है, तो इसीलिए कल के लिए व्हाइट ड्रेस बचा के रखवाया है छोटे बच्चों का। और टाइम हो रहा है 3:30 बजे का, तो बस अभी जा रहे हैं। मैं जो भी काम इधर उधर फैला है वो सारा काम समेटूंगी। तो मुझे अभी बर्तन साफ करना है, लेकिन सोच रही हूँ कि पहले इन दोनों को खाना दे दें, खाना खा लें, उसके बाद फिर पूरे बर्तन इकट्ठे साफ कर डालें। बाद में एक दो बर्तन रखे रहते हैं नल के पास ना, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, और सर्दी में बार बार पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता है। तो विराटू से अभी आवाज़ दे के पूछा है, तो कह रहा है मम्मी मेरे लिए दूध रोटी चाहिए, और सम्राट ने कहा दाल चावल निकाल देना। तो दोनों को मैंने खाना दे दिया, पीछे ले गए हैं दोनों खाना खा रहे हैं। और ये जो कपड़े यहाँ डाले थे ना, वो सब सूख गए हैं। आज सुबह से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो हवा की वजह से ये कपड़े सब सूखते जा रहे हैं। हालांकि धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कपड़े सब सूख गए हैं। तो पहले यहाँ वाले रख दें, उसके बाद फिर पीछे सिलाएंगे। और ये जो झंडा दिख रहा है ना, इसको विराटू ने बनाया है, और नीचे जो चित्र बना है बोल रहा है मम्मी ये हम है। तो जैसे खुद कार्टूनी ना, वैसे कार्टूनी चित्र भी बनाया है। कह रहा मम्मी ये पेस्ट फेंकना नहीं, इसको मुझे पापा को दिखाना है, रात में पापा को दिखाएंगे और पापा से चॉकलेट मंगाएंगे। बच्चों का यही रहता है ना, कुछ नया करने के बाद उनको रिश्वत चाहिए। तो ये वाला जो टब है ना, ये फूट गया है नीचे से, तो अभी इसमें बर्तन रखते हैं। और जो बर्तन रखने वाला टब था उसको मैंने नल के पास रख लिया है बर्तन साफ़ करने के लिए, इसमें पानी पूरा निकल जाता है। तो दोनों अभी खाना खा चुके हैं, लेकिन पहले यहाँ वाले भी कपड़े रख दें, उसके बाद ही बर्तन साफ़ करेंगे। विराट अभी नीचे ना मट्टी लगा रहे थे कपड़ों में, इससे मना कर रहे हैं कि मट्टी मत लगाओ, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो बोल रहा है मम्मी कल से मेरे कपड़े आप मत साफ कीजिएगा, हम अपने कपड़े खुद साफ कर लेंगे, आप थक जाती हो कपड़े साफ करते करते, तभी हमें डांटती रहती हो कि कपड़ों को गंदा मत करो। तो बच्चों के पास आपकी हर सवाल का जवाब होता है, कुछ भी उनसे बोलो तो उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही आपको जवाब देने के लिए। तो इनसे उलझने की बजाय हम अपने काम पर ध्यान देते हैं, ताकि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पर अभी बर्तन पूरे इकट्ठे कर लिए हैं, और थोड़ा सा दाल चावल अभी बचा रखा है विराटू के लिए, हो सकता है अभी वो दाल चावल खाए, उसकी सादी दाल रखी है और थोड़ा सा चावल बचा के रख दिया है। और एक रोटी नीचे की बची थी, तो उसको मैंने गौ माता को दे दिया, इसलिए पूरे बर्तन खाली हो गए हैं। और ये वाला टब काफ़ी छोटा है, देख रहे हो, बर्तन जब साफ करके रखते हैं ना, तो आधे बर्तन तो नीचे लुढ़कते रहते हैं, उनको फिर से मुझे रखना पड़ता है इसी में। लेकिन अब जब तक दूसरा टब नहीं आता है, तब तक मुझे अभी इसी में रखना पड़ेगा, तो जल्दी ही मंगाएंगे। और कल जो मैंने ऑर्गेनाइजर मंगाया था किचन के लिए, वो वापस हो गया है, अब तो नया नया आएगा, फिर से खोलने के लिए मिलेगा नया नया। हुआ क्या है ना कि जो नीचे का पाइप था, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे ही सेट नहीं हो रहा है, लेकिन जब दुकानदार के पास ले गए ना, तो वो भी नहीं सेट कर पाया, उसका पाइप ही थोड़ा सा टाइट दिए थे, वो नहीं जा रहा था। तो उसने कहा कि 2-3 दिन में नया माल आएगा, तब आप लीजिएगा, क्योंकि जो एक दो सेट और थे ना, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो अभी मैंने पूजा के पास से वो गंगाजल का डब्बा निकाला है, उसे मुझे साफ़ करना है। और ये नया गंगाजल आया है, दीदी परसों गई थी गंगा स्नान के लिए, दरअसल परिवार में ही एक नई गाड़ी आई है, तो सबको ले गए थे गंगा स्नान करवाने के लिए। तो इस डब्बे में मुझे भरना है, लेकिन इसको मुझे पहले साफ़ करना पड़ेगा। तो ये पुराना जो गंगाजल है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया है, तो पहले इसको साफ़ कर लें, काफ़ी गंदा हो गया, ये देखो पूरी धूल मिट्टी जम गई है, बाहर भी जमी है, अंदर भी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है कचरा, ये देखो नीला नीला दिख रहा होगा आप सबको। तो ये वाले जो डब्बे हैं ना, इनको साफ़ करने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब सीधा सीधा तो है नहीं कि कुछ डाल के साफ़ कर लो। तो इनको साफ़ करने के लिए मैंने कुछ आइटम इकट्ठा करके रखे हैं, 3-4 गिट्टी हैं बड़ी बड़ी मोरंग की, और एक मोटी मोटी डंडी लेके रखे हैं। तो पहले ये खटाई का डब्बा साफ़ कर दें, खटाई ख़त्म हो गई है, तो मैंने सोचा अब लगे हाथ इसको भी साफ़ कर दें। और पानी भी गर्म किया है, गर्म पानी से डब्बे बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये डब्बा जो है ना, मेन रूप से गंगा जल के लिए ही ख़रीदा गया था। ऐसे डब्बे मार्केट में मिलते हैं, खाली डब्बे, बड़े भी आते हैं छोटे भी आते हैं, तो इसमें सिर्फ गंगा जल ही रखा जाता है। तो इसमें गर्म पानी डालने के बाद मैंने सर्फ डाल दिया है, और फिर ये जो गिट्टी हम रखे थे, गिट्टी डाल दिए हैं। पहले इसको बढ़िया से हिला देंगे ना, गिट्टी जो है ना पूरा रगड़ देती है अंदर अंदर, और चाहे तो मोरंग भी डाल के साफ़ कर सकते हो, उससे भी बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है।
और फिर ये जो डंडी है ना इसी से थोड़ा थोड़ा रगड़ देंगे ताकि अंदर से पूरा साफ़ हो जाए बढ़िया से। मैंने सोचा जब नया गंगा जल रख ही रहे ना तो एक बार इसको साफ़ कर दें। वैसे तो गंगा जल में कभी कीड़े उड़े नहीं पड़ते हैं, ऐसी मान्यता है कि जो साधारण जल होता है उसमें कीड़े पड़ते हैं, लेकिन जो गंगा जल होता है उसको आप सालों साल भर के रखें उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। और ये मैंने अनुभव भी किया है, मैंने देखा है कि कभी गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो जो भी मैं बोलती हूँ ना वो कहीं ना कहीं मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही आप सबसे बोलती हूँ। जब तक किसी तथ्य से मैं खुद संतुष्ट नहीं होती हूँ मैं दावे के साथ किसी दूसरे से उसे नहीं बोल पाती हूँ। तो अभी डब्बा साफ़ हो गया है, इसको उल्टा करके यहीं पर रख देंगे, थोड़ा सा पानी निकल जाए उसके बाद फिर गंगा जल भर देंगे। और ये वाला डब्बा तो पूरी तरह सुखाएंगे जो खटाई वाला, क्योंकि इसमें मुझे कुछ सामान रखना होगा खाने पीने वाला ना, तो अगर पानी रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये अभी थोड़ा सा सूख जाए। और देखना अभी पीछे से बंदर आ रहा है, छत पर बैठा है बड़ा सा बंदर, दो तीन बंदर और बैठे हैं लेकिन वो उधर से जा रहे हैं ये इधर से जा रहा है, इसके लिए शायद यही वाला रास्ता सुगम था तो ये फौरन नीचे आ गए। और पीछे अभी बिराटू बैठे हैं, कह रहे हैं मम्मी जल्दी आओ मुझे कैरम खेलना है आपके साथ में। ये पूरा दिन किसी न किसी को फंसाता रहता है, लेकिन पीछे आज देख रहे थे कि बहुत बढ़िया मौसम है, हवा बढ़िया चल रही है लेकिन ठंडक उतनी ज़्यादा नहीं है। और नीचे यहाँ पर ये छोटी सी चिड़िया काफ़ी देर से उछल कूद करने में लगी थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था इसी को देखने में लगे थे। तो कंडे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े चिपके रहते हैं ना, तो वही खाने में लगी है ये बहुत देर से। और ये वाली जो चिड़िया होती है ना हमेशा जोड़े के साथ में रहती है, इसका कहीं ना कहीं मतलब जो जोड़ा होगा ना वो भी इधर उधर पास में ही होगा। और ये बंदर महाराज कहीं कुछ खा पी के आए हैं, देखो पूरा गला इनका भरा हुआ है, इनके पास बढ़िया है, खाते भी हैं और मुँह में भर भी लेते हैं बात के लिए। तो विराटू अभी अपनी बुआ के साथ खेल रहे थे कैरम, उनको दो बार हरा चुके हैं तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत हाई फाई उड़ रहा है। ये कह रहा मम्मी आप भी मेरे साथ खेलो, एक चांस खेल लो बस, तो इनको पहले हार का मुंह दिखा दें क्योंकि जीतने के साथ साथ हार को भी फेस करना आना चाहिए। तो विराटू अभी हार चुके हैं, देखिए पूरी गोटी मेरे हाथ में आ चुकी है। मम्मी आप कैसे खेलती हैं, आपके दिमाग कितना है? मेरा दिमाग भरा हुआ है पूरा। तो यहाँ पर मुझे आप सबके साथ एक रेसिपी शेयर करनी थी, लेकिन हुआ क्या था ना कि लाइट चली गई थी, बाहर मौसम बहुत ख़राब है ना तो बार बार लाइट जा रही थी आ रही थी, और उसके बाद फिर चली गई तो एकदम से चली गई, फिर आई ही नहीं पूरी रात, सुबह 4 या 5 बजे की। बाहर बहुत हवा चल रही है और पूरी उम्मीद है कि बारिश होगी। तो हम सब किचन में गप्पे मारने में लगे थे, अगर लाइट ना जाती ना तो पता भी नहीं चलता कि बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो दीदी अभी नीचे सामान सब रखने में लगी हैं और हम छत पर आए हैं जाल पर पन्नी डालने के लिए। सम्राट विराट बाहर खड़े हैं दरवाजे के बाहर, कह रहे हैं मम्मी बाहर आओ, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का सीजन हो कि बाहर आओ हवा ले लो, यहाँ ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही है इनको हवा खाने की पड़ी है। तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन बूंदाबांदी हुई थी 10-15 मिनट तक 20 मिनट तक, क्योंकि नीचे जो है ना पानी भर गया था आंगन में। और ये देखो यहाँ पर जटा टवी गलत जलत चल रहा है, शिव तांडव सुनते हैं सुबह, मैं लगाती हूँ मुझे अच्छा लगता है, तो सुनते सुनते शिव तांडव याद हो गया है हम लोगों को। तो यहाँ पर अभी सब्जी तो बन गई है लेकिन रोटी अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, हो सकता लाइट आ जाए। हालांकि इंतज़ार करते करते 9 बज गए थे, लाइट नहीं आई थी, फिर मोबाइल जला के ही खाना पीना हुआ था। तो अभी हो गई है सुबह और यहाँ पर अभी आज है गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी भी है, दो दो त्यौहार एक साथ हैं। तो आप सबको रिपब्लिक डे और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रात में बारिश हुई है ना तो थोड़ा सा सामान भी इधर उधर तहस नहस पड़ा है, वो सारा सामान सेट करना है, लेकिन आज सुबह में ही बच्चों को थोड़ा सा जल्दी में जाना है स्कूल, तो मैंने सोचा इनके लिए चीला बना देते हैं। तो विराट के लिए ये मीठा चीला है और सम्राट के लिए तीखा वाला है, दोनों लोग अलग अलग पसंद करते हैं ना तो अलग अलग मुझे ये तैयार करना पड़ता है। तो दोनों स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं पूजा करूंगी। आज बसंत पंचमी है ना तो सरस्वती माता का आज जन्मदिन है, तो उनकी पूजा थोड़ी सी विशेष रूप से मुझे करनी है। वैसे सम्राट को भी मैंने सुबह बोल दिया था कि सरस्वती जी की पूजा थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, एक छोटी सी फ़ोटो रखी है। दो तीन दिन जब मैं मार्केट गई थी ना तो मैंने पूरे मार्केट में ढूंढा था कि कहीं मुझे सरस्वती जी की फ़ोटो मिल जाए फ्रेमिंग की हुई अलग से, तो उसको मैं रख दूंगी जहाँ पर सम्राट पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा माता जी का ध्यान भी करेंगे, क्योंकि जो विद्या की देवी हैं वो सरस्वती माता हैं। लेकिन ढूंढने के बाद भी मुझे वो तस्वीर नहीं मिली, तो वो जो छोटी सी तस्वीर रखी है माता जी की, मैंने कहा उसी की पूजा कर लेना।
खैर मेरे लिए भगवान मायने नहीं रखते, चाहे दुर्गा हो, चाहे सरस्वती हो या फिर लक्ष्मी हो, सारी माता एक ही है, बस केवल श्रद्धा होनी चाहिए। तो अभी चीला बन गया है, पहले मीठा वाला, उसके बाद फिर ये तीखा वाला बनाएंगे। दोनों स्कूल जा रहे हैं और कह रहे थे मम्मी मेरे लिए झंडा मंगा दो, तो इनके पापा ने कहा चलो अभी रास्ते में ले लेंगे। और ये दोनों चीले की रेसिपी मैंने कई बार आप सबके साथ में शेयर की है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिखाया है क्योंकि जल्दी ज़्यादा है आज बच्चों को। तो यहाँ पर विराट ने दोनों आई कार्ड पहन रखे हैं, दद्दा का भी और अपना भी, और इसी खेल खिलवाड़ के चक्कर में कभी कभी ये सम्राट का आई कार्ड पहन के चले जाते हैं और वो अपना ढूंढा करते हैं कि मेरा आई कार्ड कहाँ चला गया। तो चलिए अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने काम पर और आप सबसे लेते हैं विदा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।